वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज यस हम लोग तैयार हो गए हैं और हम जा रहे हैं कहाँ। वेल हम जा रहे हैं बहुत ही एक इंटरेस्टिंग जगह पे। वी आर एक्चुअली ऑन आर वे नाउ टू ताड़ोबा। ताड़ोबा इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है कि नागपुर के आगे, तो हम वहाँ पे जा रहे हैं और ऑफ कोर्स आप लोगों को भी साथ में लेके चलेंगे। और जाने से पहले हमारा जो रूटीन होता है, चलिए चलते हैं थोड़ा सा साई को बाय बाय करते हैं और फिर चलते हैं टुवर्ड्स ताड़ोबा। अभी हमारे घड़ी में बज रहे हैं 1:12 रात को, 1:12 रात को। हम इसी टाइम पे निकल रहे हैं क्योंकि इट विल टेक अस ऑलमोस्ट 12 आवर्स। तो हमने सोचा कि हम अगर इस टाइम पे निकल जाएंगे तो दोपहर को 12 बजे तक पहुंच जाएंगे। और फिर आज का दिन वी आर जस्ट गोइंग टू रेस्ट और कल सुबह वी आर गोइंग टू गो फॉर द सफारी। सो चलिए चलते हैं। ये देखिए स्पाइडी भी रेडी। स्पाइडी आर यू रेडी टू गो? से हेलो। चलो लेट्स गो। तो चलिए चलते एक साथ जाते हैं ताड़ोबा जंगल सफारी के लिए। ओके, तो हम आ गए हैं नीचे और अभी गाड़ी में रखेंगे सामान और सामान रखते फिर निकलते हैं। वैसे तो हम दिखा रहे हैं अभी 12 घंटा लगेगा टू रीच, तो लेट्स सी क्या होता है। तो वी आर गोइंग टू टेक द समृद्धि एक्सप्रेस। तो वो जो समृद्धि एक्सप्रेस पे है वो मैंने सुना है रास्ता बहुत सुंदर है, तो चलिए चलते हैं देखते हैं कि हाउ फार द रास्ता इज़ गुड, वॉट काइंड ऑफ रास्ता इट इज़। हमने बहुत सारा खाना पीना ले लिया है कि कहीं हमको रुकना ना पड़े, एक्सेप्ट फॉर द लिटिल बिट ऑफ स्टॉप दैट इज़ नीडेड फॉर द कार, अदरवाइज सो फार सो गुड। तो चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। ओके, तो हम निकल चुके हैं, ये है रास्ता पाम बीच रोड। रात को 1:20 हम पहले जाएंगे शनि मंदिर। शनि मंदिर में जाके थोड़ा सा भगवान को हाई हलो करके फिर वी आर गोइंग टू मूव टूवर्ड्स नागपुर। तो ये हम आ गए हैं शनि मंदिर, एक बारी प्रणाम कर लेते हैं और फिर निकलते हैं टूवर्ड्स आर डेस्टिनेशन। तो यहाँ से मेरे घर से डिस्टेंस इज 784 किलोमीटर्स और ऑलमोस्ट 12 घंटा ही दिखा रहा है फिलहाल। सो लेट्स सी 784 किलोमीटर्स फ्रॉम नवी मुंबई टू ताड़ोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये है द मुलुंद एरोली फ्लाईओवर। सो हम लोग एरोली होके थाने होके निकलेंगे और देखते हैं रास्ते पे ट्रक्स फिलहाल तो बहुत है, अभी कितना ट्रक्स होता है पूरे रास्ते पे और कहाँ कहाँ पे डगअप है वो नहीं मालूम। लेट्स सी। ये अभी बज रहा है 1:59 और हम पहुँच गए हैं ऑन द नेशनल हाईवे विच इज़ गोइंग टूवर्ड्स नासिक। सो नेशनल हाईवे आई थिंक 160 है ये, और रात को 1 बजे की ट्रैफिक ऑन द नेशनल हाईवे। दिस इज जस्ट वी हैव एंटर्ड थाने, तो इधर से हम लोगों ने नेशनल हाईवे ले लिया है। देखते किधर तक ये ट्रक का जो ट्रैफिक है वो रहता है। एक तो आगे जाके मेरे ख्याल से रास्ता भी ठीक नहीं है, सो लेट्स सी। तो ये है रास्ता और यहाँ पे भर भर के ढाबा है। तो अभी रात के 2:20 और इतने सारे ढाबा एंड ऑल लाइट्स ऑन, लोगों को बुला रहे हैं, इट्स एकदम हैपनिंग। कौन बोलेगा कि इट्स मिडनाइट और रास्ता बहुत ब्रॉड ऑलरेडी हो गया है। इट इज रियली रियली नाइस। ट्रैफिक, ट्रक का ट्रैफिक भी कम हो चुका है। सो जैसे आप देख सकते हैं बहुत, मतलब एवरी 2 मिनट्स देयर इज अ ढाबा, एवरी 2 मिनट्स, एंड सब एकदम वेल लिट, बुला रहे हैं कि आ जाओ खाने के लिए। आ गया है, ये आ गया है पहला टोल और क्या भीड़ है, क्या लाइन है और सब ट्रक ट्रक ट्रक। तो ये जो था पहला टोल था हमारा बीघा और इट वाज 140 रुपीस। अंधेरे में आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो पता नहीं है, बट रास्ता इज काफ़ी गुड और वी आर जस्ट अबाउट 18 किलोमीटर्स फ्रॉम इगतपुरी एंड वी हैव ऑलमोस्ट ट्रेवल्ड 2 घंटा तो हो गया है हमारा। हाँ, एग्जैक्टली 2 आवर्स हो गया है निकल के। शुरू हो गया है कसारा घाट और कसारा घाट का सबसे बड़ी बात ये है, मतलब द बेस्ट पार्ट ऑफ ड्राइविंग थ्रू कसारा घाट इज दैट ऑपोजिट से, मतलब हेड ऑन ट्रैफिक नहीं होता है। देर इज अ सेपरेट रूट फॉर द ट्रैफिक टू कम फ्रॉम द अदर साइड, सो यू कैन रियली ड्राइव लाइक ब्रीज
इतना अच्छा रास्ता है एंड इट इज वेरी वेरी सेफ टू ड्राइव थ्रू कसारा घाट। हाँ बैन तो है अगर घाट है, बट इट इज वेरी वेरी सेफ ड्राइव। अब हम आगे से एक राइट टर्न आ रहा है जहाँ पे आप देख सकते हो बोर्ड में दिखा रहे हैं कि समृद्धि महामार्ग के टूवर्ड्स हम टर्न लेंगे, तो ये टर्न ले लिया है। अब सीधा जाके देयर इज अनदर राउंड अबाउट जहाँ से वापस से आपको एक लेफ्ट टर्न लेके सीधा जाने पे यू विल बी रीचिंग द समृद्धि महामार्ग एक्सप्रेस वे। तो चलिए चलते हैं। शुरू हो गया है एक्सप्रेस वे। रोड इज रियली रियली ब्यूटीफुल, मतलब अभी तो शुरू हुआ है बट बहुत अच्छा रास्ता लग रहा है, देख के ही मजा आ रहा है। तो 9 घंटे में नागपुर पहुंच जाएंगे और नागपुर तक एक्चुअली हमको जाना नहीं है, थोड़ी नागपुर से 1 किलोमीटर पहले या 2 किलोमीटर पहले हम एग्जिट ले लेंगे बिकॉज वी हैव टू गो टू ताड़ोबा। बट एनी विच में तो चलिए चलते हैं, लेट्स टेक दिस ब्यूटीफुल जर्नी टूगेदर।
और इसी के साथ खत्म होता है द समृद्धि एक्सप्रेसवे। बोटीबुड़ी से हमारा एग्जिट था, बट हम लोगों ने आगे हम लोग आगे तक चले आए आप लोगों को दिखाने के लिए टुवर्ड्स दी एग्जिट फॉर नागपुर सिटी। नागपुर सिटी से होके भी आप जा सकते हो टुवर्ड्स तारोबा जंगल कैंप, बट हम लोग वापस से यू टर्न लेके वी विल गेट बैक ऑन द समृद्धि एक्सप्रेसवे टुवर्ड्स बोटीबुड़ी एग्जिट, जो कि हमको थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए हेल्प करेगा टुवर्ड्स तारोबा जंगल कैंप। और यहाँ से तारोबा जंगल कैंप इज़ अबाउट 2 hours 20 minutes, और ये हम जाएंगे थ्रू द इन लोगों का जो इंडस्ट्रियल एस्टेट है उसके अंदर से लेके चलेंगे सो दैट वी कैन स्किप द नागपुर सिटी ट्रैफिक। तो चलिए चलते हैं फ्रॉम बोटीबुड़ी टुवर्ड्स तारोबा जंगल कैंप, जो कि है 2 hours 20 minutes की डिस्टेंस, बट वी विल ट्राई टू कवर इट अप बिकॉज रास्ता एकदम खाली है और बहुत ही सुंदर है जैसे आप देख सकते हैं। एंड यस वी हैव टच्ड नागपुर इन एग्जैक्टली 9 hours। अभी मेरे घड़ी में बज रहा है 10:22 और हम लोगों ने नवी मुंबई से शुरू किया था जर्नी एट 1:20 इन द नाइट। मॉर्निंग तो बोल नहीं सकते, 1:20 नाइट, सो एग्जैक्टली 9 hours वी हैव टच्ड नागपुर। आई थिंक दैट इज श्योरली रिकमेंडेबल टू ऑल दोज हु आर इंटरेस्टेड इन ड्राइविंग फ्रॉम मुंबई टू नागपुर। जर्नी बहुत ही सुंदर है, रास्ता इज अमेजिंग। हाँ थोड़ा बहुत एक टाइम पे तो बोरिंग हो जाता है क्योंकि सीधा 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 इतना मज़ा तो आता नहीं है, बट रास्ता इतना ही सुंदर है कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बट यस कीप योर गाड़ी स्टैक्ड विथ खाना पीना, क्योंकि खाने पीने की दुकान अभी तक कुछ ऐसे आया नहीं है, एकदम बेसिक 2-3 चाय स्टॉल है विथ द फ्यूल स्टेशन, बाकी कुछ भी नहीं है। सो यू शुड बी वेल इक्विप्ड इफ यू आर ट्रैवलिंग थ्रू समृद्धि एक्सप्रेस वे। तो अब चलते हैं टुवर्ड्स तारोबा। यस इट इज़ एग्जैक्टली कितना टाइम लगा, 11 hours एग्जैक्टली फॉर अस इट टुक फ्रॉम नवी मुंबई टू तारोबा इन मोहाली। इट वॉज एन अमेजिंग ड्राइव, समृद्धि एक्सप्रेस वे वॉज ब्रिलियंट। जैसे मैंने आप लोग को पहले भी बोला, थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है क्योंकि सीधा सीधा सीधा, बट रास्ता बहुत ही सुंदर है। और उसके बाद भी NH 44 वंस यू टेक वेन यू एंटर नागपुर, वहाँ से तारोबा तक भी रास्ता बहुत ही सुंदर है, गाँव के बीच में से नैरो रोड्स आर ब्यूटिफुल। सो ये देखिए हम पहुँच गए हमारा जंगल कैंप रिजॉर्ट। तो अगर आपको अच्छा लगा है ये व्लॉग तो ज़रूर डू लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कैसा लगा। And if you like to drive
डू एक्सप्लोर दिस रोड, यू विल एंजॉय एवरी मोमेंट. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, चलिए आ जाइए वाया समृद्धि एक्सप्रेस वे टू तारोबाद जंगल. एंड अगर आ रहे हो तो डेफिनेटली ट्राई दिस प्रॉपर्टी तारोबा जंगल कैंप, जो मैंने पहले भी दिखाया है मेरे व्लॉग में. यू कैन डेफिनेटली गो बैक एंड चेक द रिजॉर्ट, इट इज अ ब्यूटिफुल रिजॉर्ट. सो बाय बाय, टेक केयर अंटिल माई नेक्स्ट व्लॉग विच इज अबाउट द जंगल सफारी. देखते हैं सफारी कैसा होता है, कुछ दिखता है कि नहीं. सो ऑन दैट नोट, बाय बाय, टेक केयर.